Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007 के फिल्म कैरेमल के बारे में, जो कहानी है पांच लेबनीज औरतों की, जो प्यार, रिवाज, पिछड़ी सोच और बढ़ती उम्र जैसी चीजों का सामना करते हुए दिखाई देती है। इस फिल्म में ऐसी तकलीफें दिखाई गई है जिससे हर इंसान लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो या किसी भी धर्म का। लैला बेरूत के एक ब्यूटी सलोन में काम करती है, जहाँ के कस्टमर्स को लैला बहुत पसंद है। वो एक ऐसे रिश्ते में फंसी है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती, और जैसे ही किसी दिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बुला लेता, वो अपना काम छोड़कर उससे मिलने चली जाती। ये बात उसके साथ काम कर रही औरत नसरीन को बिल्कुल पसंद नहीं। लिली नाम की बूढ़ी औरत हर वक्त सड़क पर पेपर्स ढूंढती रहती है, और क्योंकि लैला को देर हो रही थी, उसने अपनी गाड़ी पर रखे कुछ पार्किंग टिकट्स निकालकर उसे दे दिए, जिसके बाद वो गाड़ी से दूर हुई। लैला काफी बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ चुकी है, जिसकी वजह से उसे बार बार यूसुफ नाम के एक पुलिस वाले का सामना करना पड़ता है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ध्यान हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड पर रहता है, जिससे वो अकेले में एक गाड़ी में मिलने जाती है। नसरीन के अलावा उस सलोन में रीमा नाम की एक लड़की काम करती है, जो मुंहफट है, और उसकी इस आदत से उनकी एक दोस्त जमाला, जो उनकी कस्टमर भी है, परेशान हो चुकी है। उस इलाके की दर्जी रोजी भी उन औरतों की दोस्त है, और रोजी अपनी बड़ी बहन लिली को संभालती है, जो दिमागी तौर से कमजोर है। रीमा एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां वो किसी को ये तक नहीं बता सकती कि उसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। नसरीन की जल्द ही शादी होने वाली है और वो अपने मंगेतर बसम के साथ खुश तो है, पर उनके परिवार पिछड़ी सोच के हैं और इसीलिए उसे उनके साथ अच्छा नहीं लगता। एक रात इसी बारे में वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी एक पुलिस वाला वहां आया और कहने लगा कि इस तरह गाड़ी में रहना अच्छा नहीं, क्योंकि वो दोनों शादीशुदा नहीं है। बसम उस पुलिस वाले से बहस करने लगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनके बीच हाथापाई हो गई और बसम को जेल ले जाया गया। नसरीन इस बात से नाराज हो गई। अगले दिन सलोन में नसरीन को छेड़ते हुए उन औरतों ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उन्हें पता चला कि लिली यूसुफ पर चिल्ला रही है, क्योंकि वो उसे पेपर्स नहीं लेने दे रहा। लिली उससे कह रही थी कि वो पुलिस को बुला लेगी, जबकि यूसुफ खुद एक पुलिस वाला है। ये देखकर लैला तो खुश हुई, पर नसरीन यूसुफ के पास गई, क्योंकि उसी की वजह से बसम जेल से रिहा हुआ। यूसुफ ने बताया कि लिली पार्किंग टिकट ले रही है, जो कि गैर कानूनी है, और उसके लाख समझाने के बावजूद लिली किसी की नहीं सुन रही। किसी तरह रोजी लिली को मना कर वहाँ से ले गई, और उसे समझाकर रोजी ने चुप कराया। कुछ वक्त बाद रोजी की दुकान में एक आदमी आया। वो आदमी और रोजी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और इस बीच लिली ये कहने लगी कि वो सालों से उस आदमी का इंतजार कर रही है। वो ये भी कहने लगी कि वो आदमी उसका प्यार है, जो अमेरिका से लौट कर आया है। रोजी की आज तक शादी नहीं हुई थी, और इसलिए वो खुद का ध्यान तक नहीं रखती, और नसरीन के लाख बुलाने के बावजूद वो कभी सलोन में नहीं आती। दूसरी ओर लैला अपने प्यार में इतने गुम है कि एक कॉल आते ही वो उस आदमी से मिलने दौड़ पड़ती है, और चाहकर भी ये चीज नसरीन बदल नहीं पा रही। यूसुफ लैला को पसंद करता था, पर वो छुपकर उसे दूर से देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। जब भी लैला अपनी बॉयफ्रेंड से बातें करती, यूसुफ ये सोचकर अपना दिल बहलाने लगता कि वो उससे बातें कर रही है। जमाला एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, पर उसका पति उसके इस सपने के बीच आ रहा था, और सालों से ऑडिशंस देने के बावजूद जमाला को एक भी ऑफर नहीं मिला, और इस बात का उसके बेटे भी मजाक उड़ाते हैं। रिमा को सिहम नाम की एक औरत पसंद थी, और एक दिन रीमा से मिलने सलोन में सिहम आई। उस दिन के बाद सिहम अक्सर उस सलोन में आने लगी, और उन दोनों को करीब आते देख रीमा के दोस्तों को अच्छा लगने लगा। एक तरफ जहां रीमा को उसका प्यार मिल रहा था, तो दूसरी तरफ रोजी अपने पहले प्यार चार्ल्स की तरफ बढ़ रही थी। चार्ल्स समझने लगा था कि लिली को संभालना रोजी के लिए कितना मुश्किल है, और इसीलिए वो उसके साथ और वक्त बिताना चाहता था। लैला के बॉयफ्रेंड रबीह ने कई दिनों तक उसे कॉल तक नहीं किया, और इस बात से परेशान होकर वो रबीह को कॉल करने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन नसरीन और रीमा ने देखा कि लैला परेशान रहने लगी है, और उसका काम से पूरी तरह ध्यान हट गया था। पर उसके परेशान होने की असली वजह ये थी कि रबीह एक शादीशुदा आदमी है, और लैला को डर है कि उसने आखिरकार अपने अफेयर को खत्म करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद लैला रबीह के साथ उनकी एनिवर्सरी मनाना चाहती थी। वो एक होटल में गई, जहां उसने रबीह के साथ वक्त बिताने के लिए एक रूम बुक करना चाहा। उसने अपने आप को रबीह की पत्नी बताया, पर उसके पास ऐसा कोई आईडी प्रूफ नहीं था जिससे वो ये साबित कर पाती।
दूसरी तरफ जमाला ऑडिशंस देने गई, पर जैसे जैसे ऑडिशन चलता गया उसे एहसास होने लगा कि उसकी बढ़ती उम्र की वजह से वो ये काम नहीं कर पाएगी। लैला जितने होटल्स में गई वहाँ उसे आईडी देने के लिए कहा गया और हार मानकर उसे एक छोटे से होटल में रूम बुक करना पड़ा, क्योंकि उस होटल में कुछ भी कहे बिना उसे रूम दे दिया गया। उस होटल का रूम बहुत गंदा था, इसलिए लैला बिना वक्त गवाए उस रूम की साफ सफाई करने लग गई, जिसमें उसका पूरा दिन निकल गया। चार्ल्स रोजी से मिलना चाहता था, पर जब वो ये कहने के लिए रोजी की दुकान पर एक चिट्ठी छोड़ने के बारे में सोचने लगा तो उसके सामने लिली आ गई और उसे वहां से जाना पड़ा। एक तरफ लैला रबी के इंतजार में बैठी रही तो दूसरी तरफ रोजी चार्ल्स के बारे में सोच सोच कर उसका इंतजार करने लगी। पर फिर उसने चार्ल्स के घर उसकी पैन डिलीवर करने के बारे में सोचा और उन दोनों ने आखिरकार बिना किसी रोक टोक एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पूरे दिन रबी का इंतजार करने के बावजूद ना तो उसका कॉल आया और ना ही रबी खुद वहां आया, इसलिए लैला को बेहतर महसूस कराने के लिए उससे मिलने उसकी तीनों दोस्त आई। लैला ने उन्हें बताया कि उसने इस रूम का एक एक कोना साफ करने में अपना पूरा दिन लगा दिया और दुनिया की नजरों में एक प्रोस्टिट्यूट भी बन गई, पर रबी की कोई खबर तक नहीं मिली। लैला अपने माता पिता से अब नजरें तक नहीं मिला पाती और खुद से ये झूठ कह कह कर थक गई है कि रबी उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर नसरीन भी रोने लगी और कहने लगी कि वो खुद एक झूठ कहकर जिंदगी जी रही है। उसने बताया कि बसम सोचता है कि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है, पर बसम से पहले भी एक लड़का था जिसके साथ नसरीन बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पर वो ये बात किसी को नहीं बता सकती क्योंकि जिस समाज का वो हिस्सा है उस समाज में शादी से पहले बॉयफ्रेंड होने को एक पाप कहते हैं। अपनी परेशानियों को कुछ वक्त के लिए भुलाकर वो सारे दोस्त वहाँ से बाहर निकले। रिमा और सिहम अब और करीब आने लगे थे और उनके बीच सब ठीक चल रहा था। रिमा चाहती थी कि सिहम अपने बाल छोटे करवा ले, पर सिहम ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन अचानक सलों में रबी की पत्नी आई जो अपॉइंटमेंट चाहती थी। पहले तो लैला उससे छुपने लगी, पर फिर नसरीन ने उसे काम करने के लिए कहा और जब वो काम करने गई तो वो उस औरत के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। वो रबी का गुस्सा उस पर निकालने लगी, पर इस सब से रबी की पत्नी अनजान रही। कुछ दिनों बाद सलों में यूसुफ आया। औरतों से भरे उस सलों में यूसुफ अकेला मर्द था और इसलिए वो घबराने लगा, पर फिर उसे अटेंड करने के लिए लैला को बुलाया गया। लैला को अब बदला लेने का मौका मिल गया था और उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाना शुरू किया। इस बीच यूसुफ को भी लैला के करीब आने का मौका मिला और उसने भी ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और लैला को धीरे धीरे यूसुफ पसंद आने लगा। जब वो सलों से निकला तो वो पूरी तरह बदल गया था और सिर्फ वो ही नहीं अब लैला भी बदल चुकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रोजी आखिरकार सलों में हेयर कट के लिए आई और उसे देखकर रीमा और नसरीन बहुत खुश हुए। ठीक उस वक्त लैला रबी के घर पहुंची, जहां उसे रबी की पत्नी क्रिस्टीन ने बुलाया था। उस घर में उसकी मुलाकात रबी की बेटी सारा से हुई और उसे देखकर लैला को पछतावा होने लगा। वो क्रिस्टीन को तैयार करते करते उससे बातें करने लगी और तब क्रिस्टीन ने बताया कि आज उसकी एनिवर्सरी है। वो उसे होने वाली पार्टी के बारे में बताने लगी और उसे एहसास हुआ कि लैला किसी बात से परेशान है। लैला का दिल उस दिन पूरी तरह टूट गया। एक तरफ जहां वो सब कुछ खो चुकी थी तो दूसरी तरफ रोजी चार्ल से मिलने की तैयारी कर रही थी, पर लिली उसे ऐसा करने से रोकती रही। उसे चुप कराने के लिए रोजी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो लिली की जिम्मेदारी से हमेशा के लिए भाग नहीं पाएगी और प्यार पाने के अपने सपने को उसने फिर से पीछे छोड़ दिया और चार्ल्स उसका इंतजार करता रहा। अब रोजी के साथ साथ चार्ल्स ने भी हार मान ली थी और अपने प्यार को छोड़कर वो वहां से चला गया। उस दिन नसरीन और लैला रीमा को तैयार करने लगे, जो पहली बार एक लड़की की तरह दिखने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा सिर्फ नसरीन की शादी के लिए कर रही थी। ठीक उस वक्त बाहर रबी गाड़ी लेकर आया और हॉर्न बजाकर वो लैला को अपने पास बुलाने लगा, पर इस बार हिम्मत जुटाकर लैला ने फैसला किया कि वो रबी के पास नहीं जाएगी और ये देखकर नसरीन और जमाला को अच्छा लगा। अगले दिन नसरीन की शादी थी और उस रात उसकी माँ इमोशनल हो गई, पर अगले दिन शादी की खुशी में हर कोई अपनी तकलीफों के बारे में भूल गया। उस शादी में यूसुफ और लिली भी मौजूद थे। इस बीच जमाला अब भी ये सोचकर परेशान थी कि वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही और उम्र की वजह से अब वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल भी नहीं रख पा रही। अंत में यूसुफ और लैला एक दूसरे के करीब आ गए
और साथ ही रीमा को भी सिहम का प्यार मिल गया, जिसके बाद सिहम भी अब अपनी जिंदगी आजादी से जीने लगी। और रोजी ने अपनी बची हुई जिंदगी भी अपनी बहन के साथ बिताने का फैसला कर लिया। इसी तरह दुनिया की हर औरत अपनी तकलीफों को एक्सेप्ट करके उनके साथ एक ऐसी जिंदगी जीती है जो कैरेमल की तरह मीठी, नमकीन और खट्टी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।